आज मैं मेकअप वीडियो करने वाली हूँ तो सबसे पहले अपने बाल को सेट कर लूँगी हेयर बैंड से, ताकि फेस पे भी बाल ना आए, वरना मेकअप अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ, सो वो मैं नहीं लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्रीम लगा लूँगी, जो मैं सीसी क्रीम यूज करती हूँ, वो डैप डैप करके लगा लूँगी हर जगह। और मैं आईज़ पे भी लगाऊंगी आज, बिकॉज मैं आईज़ मेकअप करने वाली हूँ, सो उस पे ये लगाना ज़रूरी होता है, फाउंडेशन या कंसीलर। बट मैं सिर्फ यही यूज कर रही हूँ सीसी क्रीम, तो मैं इसी से कवर करूँगी आईज़ के ऊपर भी। फिर मैं अच्छे से इसे फेस पे लगा लूँगी। मैं ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करती गाइज, मैं पहले भी बताई हूँ, बिकॉज मुझे नहीं आता, सो मैं हाथ से ही करती हूँ। फिर अच्छे से मैंने मिला लिया फेस पे। उसके बाद मैं आज कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, मेकअप कर रही हूँ तो थोड़ा लगाऊंगी आज। मैं डेली यूज़ तो नहीं करती, बट थोड़ा अच्छा लगना है आज, तो इसलिए मैं अच्छे से उसे सेट कर लूँगी, जो भी मैं सीसी क्रीम लगाई हूँ उसे। फिर मैं आईज़ मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं लगाऊँगी गोल्डन, पूरे आईज पे गोल्डन कलर लगाऊंगी। फिर मैं सेकंड वाले आईज पे भी गोल्डन कलर लगा लूंगी। दोनों आईज पे पहले गोल्डन ही लगाएंगे, उसके बाद जो कलर लगाना होगा लगाएंगे, इससे अच्छे से लगता है। फिर सेकंड वाले आईज पे भी लगा लूंगी। फिर मैं ले रही हूँ अपने सूट के कलर का स्काई कलर, उसे मैं लगाऊंगी हाफ आइज पे ही लगाऊंगी मैं, बिकॉज फुल पे अच्छी नहीं लगेगी, सो हाफ आइज पे जो कलर आपको लेना है वो लगाएं। फिर सेकेंड आइज पे भी इसी तरह से हाफ लगा लूंगी आइज पे। फिर मुझे गोल्डन थोड़ा कम लग रहा है, सो मैं फिर से गोल्डन लेकर हाफ आइज पे, आइज के कॉर्नर पे लगा लूंगी। फिर मैं अंडर आइज भी लगाऊंगी, बिकॉज मुझे पसंद है, आप स्किप कर सकते हो, बट अगर मैं आइज मेकअप करती हूँ तो अंडर आइज भी लगाती हूँ, और मैं स्काई कलर ही ले रही हूँ। आईशैडो लग चुका है, अब मैं लगाऊंगी व्हाइट काजल, वाटर लाइन पे व्हाइट काजल लगाऊंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लैक काजल, उसे वाटर लाइन पे नहीं लगाऊंगी, जो थोड़े लेसेस होते हैं नीचे उस पे लगा लूंगी। आंखें थोड़ी बड़ी लगे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आईलाइनर, और आईलाइनर कभी भी कॉर्नर से नहीं लगाना, बीच से लगाने से अच्छे से लगता है। थोड़ा विंग वाला लगा रही हूँ, ज्यादा विंग नहीं करूंगी। मेरा आईलाइनर लग चुका है। मैं यहाँ आईब्रो सेट कर रही हूँ, आईब्रो मैं कभी बनवाती नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो सोची थोड़ा अधूरा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ डर डर के लगा रही हूँ कि कहीं खराब ना हो जाए।
उसके बाद मैं बिंदी लगा लूँगी। अपने सूट का कलर कहीं बिंदी लगा रही हूँ यहाँ। उसके बाद मैं लिप लाइनर लगा लूँगी। अगर आप लोग को लिक्विड लिपस्टिक लगाना है तो लिप लाइनर ज़रूर लगाएं पहले, ताकि वो छूटे तो डायरेक्ट लिप ना दिखे, लिपस्टिक रहे तो सही लगता है। फिर मैं पिंक कलर का यहाँ लिपस्टिक लगाऊंगी, लिक्विड लिपस्टिक मैट। मैं यहाँ बहुत धीरे धीरे लगा रही हूँ क्योंकि मुझसे ये नहीं लग पाता है, इधर उधर लग जाता है। उसके बाद मैं इयररिंग पहनूंगी, ये बहुत अच्छे लग रहे थे इयररिंग जब मैं ले रही थी, इसलिए बहुत खुश हूँ पहनते टाइम। फिर यहाँ मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था, फिर याद आया अरे मैं नोज़ पिन नहीं डाली हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ नोज़ पिन, ये ना पहनूँ तो मैं खुद को अच्छी ही नहीं लगती, तो यहाँ मैं नोज़ पिन पहन लूँगी। वो जा नहीं रहा था अच्छे से, हल्का दर्द हो रहा था, सो फिर सेट हो गया। गाइस मेरा फाइनल लुक, मैंने हेयर स्टाइल का वीडियो अपलोड नहीं किया है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग बताना, मैं ज़रूर एक करूँगी नेक्स्ट टाइम। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो परफेक्ट मेकअप करने नहीं आता, बट मैं जो खुद करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर आपको परफेक्ट मेकअप सीखना है, मतलब जो लेयर्स होते हैं स्टेप बाई स्टेप करना, तो वो मेरी बहन के चैनल पे देख लेना, उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर लेना। वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, आप लोग सीख लोगे उससे। सो मिलते हैं अब बाद में, मतलब अगले वीडियो में। सो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।